हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम शाम के 5 बजे से। तो मैं आ रखी हूँ ऑफिस से, आ गई अभी। तो मेरे को रास्ते में मिले हैं बच्चे प्राची। तो मैं आ गई हूँ अभी रीठा में, और प्राची है और प्राची की फ्रेंड है युक्ति। तो ये लोग आजकल, इनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, तो ये बेचारे जा रहे हैं मुक्तेश्वर पैदल। मतलब सुबह इनको हम आधे रास्ते तक ड्रॉप करते हैं, फिर वहां से पैदल जाते हैं, और अभी तो पूरा मुक्तेश्वर से घर तक पैदल आए हैं। मतलब अभी तो घर जाना है, यहाँ से मैं लेके जाऊंगी। सिर्फ कितना चले होगे आज तुम दिन भर में? बहुत। कितना? 10 किलोमीटर तो चले होंगे ना पक्का? तो 10 किलोमीटर ये चले हैं जाना, और मतलब जाना 10 किलोमीटर और आना भी। तो इतने थके हैं, तो अभी तक इनकी स्टोरी सुन रही थी कि रास्ते में क्या हुआ, कैसे आए, पूरा एडवेंचर करते हुए। तो ऐसी लाइफ होती है स्कूल की, है ना? फोन ले जाते हैं हम, व्लॉग भी बना के लाते और फोन ऑन तो अलाउड नहीं है इनको, पर ये है कि थोड़ा दिक्कत हो रही है। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल छोड़ने के लिए कोई गाड़ी हो जाती या कुछ भी, तो आजकल कोई मान नहीं रहे ना। स्कूल बस भी बंद हो चुकी है, इनकी तो एक्स्ट्रा क्लास चली है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं इनके, इसलिए। तो अब यहाँ से इनको रीठा तक मैं लेके जा रही हूँ, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे युक्ति को छोड़ूंगी, फिर प्राची आएगी मेरे साथ, है ना? चलो बैठ जाओ फिर। सो गाइस, चलो अब हम बैठते हैं। चलो अब युक्ति बैठेगी। बैठ गई? हाँ। चले चलो। युक्ति की डेस्टिनेशन यहाँ पे आ चुकी है और युक्ति जाने लग गई। बाय। ओके बाय। ये देखो युक्ति गई यहाँ से, और अब हम चलते हैं। तो ये सुविधा जारी हो गई फोन फिल कराने की। तो अभी इसको कराने के लिए काम है संचालन, सब हम लोग संचालन कर रहे हैं। कल से आ जाती हूँ मैं। सर लोग संगत ये आ तो गई हूँ, तो सहयोग की है। हाँ सही है। सब चीज जरूर करना है, पड़ेगा कहने का। नहीं वो बीच में क्या होता ना, वो यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम रिलायंस के इसके। ये क्या ना, रोजनेफ्ट कंपनी है रशिया की, वहाँ पे जैसे अपने यहाँ बीपीसीएल वगैरह ना, जैसे वहाँ पे रोजनेफ्ट कंपनी। हम पहुंच चुके हैं अपनी मार्केट में, और मैंने फ्यूल फिल भी करा लिया है, और प्राची के लिए यहाँ से लेना है वाइंडिंग बुक, और कन्नू की चाय भी आ गई है, तो ले लेते हैं सामान।
वो वाइंडिंग बुक मिलेगी क्या? तो हमें वाइंडिंग वाला सामान तो नहीं मिला। आप चल रहे हैं कन्नू की दुकान में और लाते हैं जल्दी से मैगी। कन्नू मैगी चाहिए 2 पैकेट। दो तो गाइस, ये हमारी मार्केट और अब हम चल रहे हैं घर को। तो हाँ सो अभी बज गया है 5:06 हो गया है और देखो शाम होने लग गई बिल्कुल पूरी ऐसे। तो अभी हम चल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो देखो रोड भी यहाँ की बहुत खराब हो रखी है और अभी हो चली है शाम और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। सो गाइज यहाँ ना एक बार बारिश हो गई थी और यहाँ देखो पूरा कैसे रोड भी बहुत ही डेंजर हो रहा है। मतलब कभी भी रात में ना जैसे ज्यादातर उनके लिए है जो शराबी लोग हैं वो गिर सकते हैं यहाँ से क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा ना। ये जब बारिश हुई थी तभी गिरा था, मतलब थोड़ा स्पेस था, अब तो थोड़ा जगह बना लिया ऊपर से, वही थोड़ा जगह बना लिया और इसमें ट्रक आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो चलते हैं घर की तरफ और अभी लगेगा हमें 5 से 10 मिनट घर पहुंचने में। गाइस इतनी रात मतलब शाम को ये जंगल से आ चुके हैं। सो बहुत ही जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन अपने स्टेशन में पहुंचने वाले हैं और यहाँ से देखो सामने का गांव दिखता है, ये बहुत ही सुंदर व्यू आता है इस साइड से। तो देखो बहुत सारी मिट्टी हो रखी है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चलानी पड़ती है और हम पहुंच गए हैं अपने घर में। तो चलो चलते हैं, ठंडा भी होने लग गया। सो गाइज अभी हो गई है शाम और आजकल मेरी स्कूल की गाड़ी भी नहीं जा रही है और हमारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तो मैं वो देखो उस स्टॉप से यहाँ घर तक आई हूँ पैदल चल के। तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो अब हम घर की तरफ जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो चलो मम्मा भी आ गई। सो गाइज मैं घर पहुंचने वाली हूँ और मतलब पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जला रखी है आग क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है तो आजकल आग यहाँ पे सेक रहे हैं। यह है मेरी अम्मा जी और ये हमारे बच्चे नहीं सॉरी ये मेरी बहने लोग और यहाँ पे आग जला रखी है। आप कुछ कहना चाहेंगी अम्मा? ये तो अभी हम भी आएंगे आग सेकने के लिए तो चलते हैं। सो यहाँ पर भी मम्मा का बहुत ही भयंकर वाला डिस्कशन चल रहा है ताई जी के साथ तो देखते हैं चलो। सो इधर मम्मा कपड़े उठा के अब जाएंगे अंदर को और देखो इतनी मतलब शाम ही हो गई है लगभग। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं अब घर जाते आटा नूडल। तो हमने प्याज कट कर लिया, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च क्योंकि प्राची को लगी है भूख तो जल्दी जल्दी इसको हम करते हैं। यहाँ पर मैंने रख दिया है तेल और 1 पैकेट किलो तो बहुत है ना, हो ही जाएगा। ये हमने प्याज डाला, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और आप जैसे देख सकते हैं एकदम डार्क होने लगा है अंधेरा और प्राची का आटा नूडल्स भी तैयार हो गया है, वो खाएगी क्योंकि सुबह 7 बजे से निकली है और शाम में वही
चार साढ़े चार में पहुंची, साढ़े चार में, क्योंकि बहुत पैदल हो जा रहा है उसका भी आजकल, क्योंकि बस नहीं है ना तो इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है। तो पहाड़ों में ये सब बहुत मुश्किल भी होती है, अगर लाइफ अगर यहाँ पे काटनी है तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल भी आते ही हैं। तो आजकल उसका थोड़ा ऐसे ही चल रहा है स्कूल का, और मेरा भी थोड़ा ड्यूटी चल रही थी तो मेरा कल वाला ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। तो फिर अब कर लेते हैं चेंज वगैरह, और आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा छोटा सा, तो थोड़ा सा जो भी था, तो ऐसे ही चलते रहता है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे फिर हम आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।